बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का एक सालन, जो कि बहुत ही मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आज जो मैं बना रही हूँ आज पालक गोश्त। तो आइए देखिए हमें पालक गोश्त के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पालक गोश्त के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए गोश्त, जो कि मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन ये लिया है 250 ग्राम बीफ का गोश्त है। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। हाफ टी स्पून नमक है, या हस्बैंड ज़रूरत भी ले सकते हैं। एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी है और एक टेबल स्पून ये पिसा हुआ धनिया है। दो दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, जिसको इस तरीके से हमने काट लिया है। एक टेबल स्पून लहसुन लिया है। हाफ टेबल स्पून अदरक लिया है पिसा हुआ। और ये तकरीबन 250 ग्राम हमारी पालक थी, जिसको मैंने धो के थोड़ा सा पानी उबल रहा था उसमें डाल के, और इसको मैंने पीस लिया है बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी चीज़ के। और तकरीबन ऑयल लेंगे हम आधी प्याली। तो आइए देखिए अब हम पालक गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। पतीली में तकरीबन आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें ये प्याज डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ये हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, ताकि गोश्त का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। और फिर इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। टमाटर भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। दो से तीन मिनट टमाटर भूनेंगे, ताकि टमाटर का भी थोड़ा सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। फिर तो इसमें सारे ये स्पाइस डाल देंगे, पिसी मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, गरम मसाला, नमक, और ये डाल के इसको थोड़ा भूनेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ना रहे और अच्छी सी मसालों की भुनी हुई खुशबू आने लगे। जब मसाला भून रहे हों तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे, दो टेबल स्पून, ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं और हम इसको अच्छी तरीके से भून लें। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरीके से गोश्त में मिक्स हो जाए। तो देखिए मसाला भून रहा है और इसका ऑयल ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे और दरमियानी आँच रखेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। टमाटर भी इसी में ही हल हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट हो चुके थे टमाटर, तो टमाटर भी अच्छी तरीके से इसमें ही हल हो चुके हैं। अभी हमारा 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें तलिए देखें, इस तरीके से इसमें ऑयल आ चुका है, ये मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर तक पानी डाल देंगे, या आधा जग पानी डाल देंगे, और इस गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और हमारे जो ये गोश्त का ग्रेवी है वो भी बिल्कुल मुनासिब है। हम इसमें ये पिसी हुई पालक डाल देंगे। ये देखिए पालक डाल दिए, थोड़ा सा ये देखें ग्रीन ग्रीन इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे और इस ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। ये हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये हमारा पालक गोश्त देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है और गोश्त हमारा तकरीबन पूरा अच्छी तरीके से गल चुका है। आप इसको मटन में भी ज़रूर बनाइएगा, मटन में भी बहुत मज़े का बनेगा ये पालक गोश्त। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ, सबके साथ ये बहुत मज़े का लगेगा।
और यकीनन आपको मेरी ये रेसिपियाँ पसंद आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अपना, अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।